हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छाछ और दही के बारे में कि अगर आप आपके बच्चे को छाछ और दही देते हैं और चूंकि अब विंटर का सीजन आ चुका है और आपके मन में जरा सा भी डाउट है कि आपको क्या विंटर में भी ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, यानी कि सर्दी के मौसम में भी बच्चे को छाछ और दही देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो वो कौन सा राइट टाइम है और वो कौन सा तरीका है जिससे हम बच्चे को अगर छाछ दही देते हैं तो बच्चों को इसका नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट लाइक कि बच्चों को कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम, फीवर ये सब चीजें ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही शेयर करने वाले हैं क्या सर्दी के मौसम में बच्चे को छाछ और दही दे सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक जरूरी टिप जो कि आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। अगर मैं बात करूं दोस्तों छाछ और दही के बारे में, स्पेशली कर्ड। कर्ड तो एक ऐसा फूड है जो कि आपको बेबी को हमेशा देना चाहिए। कर्ड बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बच्चे के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत मजबूत रखते हैं, बच्चे को खाना पचाने में बहुत हेल्प करते हैं। आजकल जो बच्चों के प्रॉब्लम है वो ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन की बच्चों में देखी गई है। ऐसे में अगर आप बच्चों को कर्ड राइस देते हैं या फिर पॉरीज के साथ कर्ड देते हैं या फिर बच्चों को कर्ड चपाती देते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट में आता है। बड़ा बच्चा है, सिंपल आप बच्चों को कर्ड भी खिला सकती हैं। तो इतना हेल्दी फूड है तो हमें लगता है क्या हमें कर्ड बच्चे को सर्दियों में भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की हैबिट में है कि आप उसे ब्रेकफास्ट में कर्ड देते ही हो और आपके बच्चे को ना सर्दी है, ना खांसी है, ना जुकाम है, आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक है, तो आप मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच में बच्चे को ब्रेकफास्ट में कर्ड दे सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ है, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो। जिन घरों में बच्चों को दही 12 महीने दिया जाता है, यानी कि प्रतिदिन दिया जाता है, उन बच्चों में कभी भी इससे ऐसा नहीं होगा कि सर्दी में बच्चे ने सुबह 11 बजे दही खा लिया तो बच्चे को खांसी हो गया, जुकाम हो गया, क्योंकि एक बच्चे की हैबिट में होता है। अगर हाँ आपके बच्चे को सर्दी हो रही है, ऑलरेडी खांसी हो रही है, फीवर हो रही है, तो दोस्तों आपको इसको ऐसे में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को खांसी होती है तो उसके गले में कफ होता है और ये उसको बढ़ाता है। लेकिन आपका बच्चा फिट है, फाइन है, तब आप उसे विंटर के सीजन में भी कर्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है छाछ की। छाछ भी दोस्तों कर्ड की तरह बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड होता है। ये भी बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है जो कि बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाता है, बच्चे को तरोताजा रखता है, उसके आंतों को बहुत अच्छे से ये दोस्तों रखता है। इसलिए बच्चे को छाछ भी उसकी डाइट में शामिल करनी चाहिए। कर्ड की तरह दोस्तों छाछ का भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। अगर आपके बच्चे को सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं हो रहा है, कफ की प्रॉब्लम से बच्चा सफर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको बच्चे की डाइट में छाछ को भी कंटिन्यू करना चाहिए। जिन बच्चों को कफ की प्रॉब्लम हो रही है वो पेरेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर जिन बच्चों को अभी फीवर हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा रनिंग नोज है, उन्हें आपको जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है तब तक अवॉइड करना है। बाकी दोस्तों आपको छाछ को भी कंटिन्यू करना है। छाछ भी एक बहुत हेल्दी फूड है, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप मॉर्निंग में अगेन ब्रेकफास्ट में चपाती के साथ छाछ पिला सकती हैं बच्चे को। एक थोड़ी सी सर्दियों में क्वांटिटी आप कम कर सकती हैं छाछ की, जो कि गर्मियों में देती थी उससे थोड़ा सा कम, लेकिन अगर आपका बच्चा फिट है तो आप आराम से बच्चे को छाछ दे सकती हैं। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आप जब भी छाछ या दही दें बच्चे को तो आप कभी भी ये फ्रिज का निकला हुआ, स्पेशली सर्दियों में तो नहीं दें। एकदम फ्रेश बना हुआ, जो कि जैसे मॉर्निंग में घरों में छाछ बनाते हैं या फिर आप मार्केट से छाछ लेके आते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का छाछ या दही आपको बच्चे को यूज करना चाहिए। सर्दियों में कभी भी फ्रिज से निकला हुआ छाछ या दही आपको बच्चे को नहीं खिलाना है, नहीं तो ये बच्चे की तबीयत को खराब कर सकता है, उसको ठंड, खांसी, जुकाम कर सकता है। दूसरा, इसको आप दोपहर 11-12 बजे के बाद ना दें, सॉरी 12-1 बजे के बाद भी हो सके तो अवॉइड करें। इसको 10 से 12 के बीच में ही आप देने की कोशिश करें, यही बेस्ट टाइम है। और ठंडा नहीं दें, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, उसी का छाछ दही आपको बच्चे को देना है।
सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।